Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो तीन पॉइंट नोट करेंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हमारे पास कोई कर्व है, हमने यहां पर ये एक्स इज इक्वल टू ई, इस पर हमने इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ए से थोड़ी छोटी वैल्यू, ये डिस्टेंस h वेरी स्मॉल बोलो, और ये डिस्टेंस भी h है, इसको कहोगे आप x इज इक्वल टू a माइनस h, ए प्लस एच। ठीक, हमने एक इंटरवल बनाया ए माइनस एच से ए प्लस एच का, हमने एक ये इंटरवल बनाया, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, ए माइनस एच से ए प्लस एच का एक इंटरवल बनाया, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए, ए के आसपास की वैल्यू है नेबरहुड ऑफ ए, दिस इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए। देखिए एफ ए माइनस एच एक्स की वैल्यू ए माइनस एच ली जाए तो फंक्शन की ये वैल्यू होगी इज लेस देन एफ ए, एफ ए प्लस एच ये भी एफ ए से कम है, एफ ए माइनस एच एफ ए से कम, एफ ए प्लस एच ये भी एफ ए से कम है, क्यों? अरे भाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पर वैल्यू निकालिए तो ये वैल्यू होगी फंक्शन, वाई कोऑर्डिनेट ये वैल्यू होगी,
दोनों ही वैल्यू बताइए, एफ ए से क्या है बताइए, कम है। ठीक, तो इसका मतलब अपने नेबरहुड में एफ ए जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। तो लिखो एफ ए इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ ई। नेबरहुड ऑफ ई, देयर इज द लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई। और याद रखिएगा एफ डैश ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू ए पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, स्लोप क्या हो गया बताइए इसी, एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो। बोलो कोई डाउट, क्लियर? देखिए x इज इक्वल टू ए माइनस एच पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच पर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच पर आप देखिए टेंजेंट ऐसे आ रही है। तो टेंजेंट नॉर्मल में भी आपको पढ़ाया था, इस तरह से टेंजेंट आने का मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या है, जीरो। ए प्लस एच पर देखिए टेंजेंट इस तरह से आ रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव। अब आप जरा ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, बीच में जीरो भी होगा। ठीक है, कोई चीज पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है तो बीच में जीरो तो आएगा ही, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देयर इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई, नेक्स्ट। बिल्कुल इसी तरह से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस,
ये कर। एक्स इज इक्वल टू ई, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई। ए प्लस एच, ये टेंजेंट लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स ए माइनस एच पर वैल्यू नेगेटिव, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर पर पॉजिटिव पर वैल्यू पॉजिटिव, पहले वैल्यू नेगेटिव जीरो फिर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होना लिखिए, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, हर क्वेश्चन में आप इस तरह से नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप इस तरह से चेक करेंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, वर्किंग रूल है इसका। सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स पता करें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, एक्स की वैल्यू ई। थर्ड, फाइंड d2y by dx
एक्स स्क्वायर। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पर निगेटिव आ जाए, लोकल मैक्सिमम, और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पर निगेटिव आ जाए तो लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, नहीं इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नहीं, निगेटिव पर ये होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा तो लोकल क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर की थ्योरी है, कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।